अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ टैलेंटेड पाकिस्तानी जिनका टैलेंट देखकर अंग्रेज भी परेशान हो जाए। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सबसे पहले इस ट्रैक्टर की साइज देखें और इसके ऊपर मौजूद वजन चेक करें। और इस पाकिस्तानी का टैलेंट देखें जो अपने दांतों से चारपाई उठा लेता है। दोस्तों ये छोटी सी और मुनफरिद सी जीप आप देख रहे हैं, ये महज एक मुनफरिद सी गाड़ी नहीं है बल्कि हौसले और हिम्मत की एक मिसाल भी है। आइए हम आपको इस मुनफरिद सी गाड़ी के मालिक से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये गड्डी तुसा कितु चलाई आंदे वे पहले ये दस? 47 चाके जो। अच्छा ते ये गड्डी तुसा कितु बनवाई है? ए जी एडा जान खान तो बनवाई है। ए जी जीप है बनी हुई। अच्छा 100 सीसी इंजन लगा होया पुराना मॉडल। अच्छा सुजुकी मोटरसाइकिल दा मजदूर। अच्छा। बंदा ते अपने वास्ते उस हिसाब नाल बनवाई हुई। अच्छा जी, ते बहुत सहूलत हो वेंदी हो सी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक कितना को खर्चा आया है दोते? ये इंदे ते तकरीबन 1.25 लाख खर्चा आया है। इसकी एवरेज जड़ी है ना वही ठीक है। अच्छा कितनी? तकरीबन 35-40 किलोमीटर कार जांदी है लीटर दे नाल। और इस पाकिस्तानी का जुगाड़ देखें, मोटरसाइकिल के पीछे मैग्नेट लगाया हुआ है ताकि रोड पर चलते फिरते लोहे की कीलें और नट बोल्ट वगैरह मैग्नेट में चिपकते रहें। और रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सर ए की तरीका कितना की लोहा इकट्ठा हो जाता है? इस तरह हो जाता है 15-20 किलो। जान दियो जरा, देखिए सी भी किस तरह होता है। वेरी वेरी नाइस। हुकूमत ने हमें इस कदर तंग कर दिया है कि हमें इस तरह के टैक्स अजमाने पड़ रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी हमें बिजली और गैस जैसी सहूलियात मुहैया करें। Thank you.
वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।